मैं एडिशनल जा रही हूँ और मैं रीट रीट में सिलेक्टेड हूँ सर। हम 2-11 दिनों से यहाँ बैठी हुई, मैं अपनी बच्ची को लेकर यहाँ बैठी हुई हूँ, अभी तक बैठी हुई हूँ पर नहीं बेरा है। और यहाँ पे मैं एक चयनित अभ्यर्थी हूँ एडिशनल डिग्री से। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो अध्यापक भर्ती जो परीक्षा थी 2022 उसमें और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 की सेकंड ग्रेड में, दोनों में हम सिलेक्टेड है लेकिन हमें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है क्योंकि हम अतिरिक्त विषयधारी है, इसलिए हमारे को विचाराधीन मामला के तहत सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला विचाराधीन रख रखा है क्योंकि वो ये विचाराधीन का मतलब एडिशनल का टेक लगा कर हमको ज्वाइनिंग देना ही नहीं चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज हम लोगों ने इतना सफ़र किया है, हम तरह जगह जगह मंत्रियों को कह रहे हैं लेकिन हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, तो हम ये उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दें। से हूँ और मैं इतना बताना चाहूँगी जिस डिग्री का इन्होंने इशू बना रखा है ना, उस डिग्री को हमने लिया कैसे। पहले है ना ग्रेजुएशन का जब हमने फॉर्म भरा था ना, तो जो कॉलेज होता है यूनिवर्सिटी जो होती है ना, वो 15 ऑप्शन देती है, उसमें से 15 से 20 सब्जेक्ट देती है, उसमें से हम हमारे 3 सब्जेक्ट चुनते हैं 3 साल के लिए। पहले हमने वो ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर हमने 1 साल का एडिशनल किया। मैं इनसे ये कहूँगी कि क्या हम एक ही सब्जेक्ट के लिए 3 साल लेंगे क्या? 1 साल ही तो लेंगे ना, इसलिए एडिशनल 1 साल का होता है। आपने ये मुद्दा क्यों बना रखा है इस डिग्री को लेके? उसके बाद हमने रीट किया है और फिर मेंस भी, मेंस का दिया है। आपकी जो पेपर एजेंसी है जो टफेस्ट पेपर बना सकती है, हमने उसे क्वालिफाइड किया है, तो फिर आप हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे? जो पेपर नॉन एडिशनल ने दिया है वही पेपर एडिशनल वालों ने दिया है, तो आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं?